الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بر محمد وآل محمد. ये आयत करीमा जिसकी तिलावत की गई है, इरशाद हजरत अहदियत जल्ला वाला होता है, ऐ साहिबान ईमान, बचाओ अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। तो आज तक तो ये गुफ्तगू चली कल तक कि अकेले मोमिन हो जाना काफी नहीं है, अकेले दीदार हो जाना काफी नहीं है, अकेले अल्लाह वाला होना काफी नहीं है। अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों के, अपने वालों की भी नजात की फिक्र जब तक हमको नहीं होगी तब तक हमारे अमल से कोई फायदा नहीं है। इस्लाम, कुरान, खुदा, मासूमीन, ये खुदगरज इंसान को, खुदगरज मुसलमान को पसंद नहीं करते। लिहाजा हमने ये देखा है कि खास करके अइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उलमा भी उस सफ में आते हैं कि जिन्होंने सारी मुसीबतें और सारी मुश्किलात, सारी अजियतें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की हैं कि किसी सूरत से हमको नजात मिल जाए, हम रहे रास्त पर आ जाएं। लेकिन अगर हम आयत का एक हिस्सा लें तो इसका मतलब, देखिए कभी कभी ये होता है, कुरान में भी है कि तुम जो है दूसरों को नसीहत करते हो, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَكُمْ, लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और खुद अपने को भूल बैठे हो। لَمَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, क्यों वो कहते हो जिसके ऊपर खुद अमल नहीं करते हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अकेले मोमिन होना काफी नहीं है, अकेले अल्लाह वाला काफी होना नहीं है। अगर हम नमाजी हैं तो हमारे साथ हमारे घर वालों को भी नमाजी होना चाहिए, अगर हम मोमिन हैं तो हमारे साथ हमारे घर वालों को भी मोमिन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने पर कम तवज्जो दें और बीवी बच्चों पर ज्यादा तवज्जो दें और बार बार ये कहें तो कुरान कहता है अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को, देखिए उनका भी होना जरूरी है, इस पर छह दिन बात हुई है। लेकिन उस सबसे ज्यादा अहम यह है कि पहले अपने को इस काबिल बनाओ, उसके बाद दूसरे की बात करो। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा आज गुफ्तगु ये इस पर होने कि हम क्या करें कि हम जहन्नम की आग से बच सकें। इसलिए कि मेन कामयाबी का राज जो है वो यही है, कुरान ने भी कहा है कि जो जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, फकत फाज, ये कुरान की आयत, कामयाब वो है।
तो फ्लाइट में सफर करते हैं ना आप लोग, तो वो फ्लाइट चलने से पहले तो वो जो मेज़बान होते हैं या होती हैं एयर होस्टेस वगैरह, तो वो पहले वो आपको क्या कहते हैं वो समझाते हैं, तो उसमें एक चीज़ आती है क्या, मास्क का, कि अगर जो ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप ऐसे करेंगे, तो उसमें क्या कहती है वो, पहले खुद लगाइए फिर दूसरे के जो है वो बच्चा भी आपका है, तो बच्चे को बाद में लगाइए पहले खुद लगाइए, इसलिए कि पहले अपनी सेफ्टी कर लो तब ना दूसरे की करोगे। यही हाल जो है वो दीन का भी है। बेशक आपको खानदान की खबर लेना चाहिए, बेशक आपको घर वालों की खबर लेना चाहिए, लेकिन पहले अपने को ठीक करो। इसीलिए रिवायत क्या कहती है, बाद रिवायतों में है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ जबान से नहीं, सलावत बर मोहम्मद व आलिमा, जबान से नहीं, कूनू दुआतन लिन्नास बगैर अलसनतकुम, लोगों को खुदा की तरफ बुलाओ बगैर जबान के। अब बगैर जबान के कैसे, क्या मतलब, यानी मजलिस बंद कर दी जाए, तबलीग बंद कर दी जाए, बगैर जबान के कैसे बुलाया जाएगा। बगैर जबान का मतलब यही है कि उस पर पहले तुम खुद अमल करो, ताकि तुमको कहने से पहले लोगों को एहसास हो जाए। कूनू दुआतन लिन्नास बगैर अलसनतकुम। तो खुदा से कलाम, बहुत ज्यादा इस पर वक्त न ले, आगे धीरे धीरे चले जाएं। तो असल चीज यह है कि आदमी पहले अपने को ठीक करे, यानी अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ये देखें कि क्या करें कि हम जहन्नम से बच जाएं। पहले उस पर हम खुद अमल कर लें, फिर बीवी की बात आती है, फिर बच्चों की बात आती है, फिर समाज की बात आती है, लेकिन ये समाज सुधारक बनने से पहले अपना सुधार जरूरी है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये बात हो गई ना। आज हमारे, मैं अपनी बात करता हूं, लेकिन मेंबर तो हम आते हैं ना, आप तो आते नहीं हैं, लिहाजा मेन चीज तो हमारे ऊपर लागू होती है कि आप मौली साहब, वसी हसन साहब, तबलीगी मजलिस बाद में पढ़िए, पहले खुद अमल कीजिए। तो अब आज इस पर ये हमको गुफ्तगू करना है कि हम क्या करें, इसलिए कि ये जिंदगी हमेशा वाली जिंदगी तो है नहीं, इसको खत्म हो जाना है। 10 साल रहेगा आदमी, 20 साल रहेगा आदमी, 40 साल रहेगा आदमी, 50 साल रहेगा आदमी, उसके बाद उसको मरना है। बकौल कुरान के, वल आखिरतो खैरुन व अबका, आखिरत बढ़िया है सबसे और आखिरत ही बाकी रहने वाली है। तो चालाक आदमी क्या करेगा, 10-20 साल वाली जिंदगी की परवाह करेगा या आकिबत की परवाह करेगा। और जिनको इस बात का एहसास है कि क्या करें, सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक हल्का सा इशारा, कल नहीं शायद परसों एक दास्तान आई थी कि देखिए, हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना बड़ा अच्छा काम है, बेशक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि है नमाज जो है बुनियाद दीन है, अस्सलात उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। इन कुबिलत कुबिल मा सिवाहा, नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, व इन रुद्द तो रुद्द मा सिवाहा, नमाज रद्द बोलिए तो सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। यानी चाहे जितने आप जो है वो कारे खैर करने वाले हों, नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सब बेकार है, कुछ कबूल। इसलिए कि हदीस मौजूद है, इन कुबिलत कुबिल मा सिवाहा, नमाज कबूल तो सब कबूल, नमाज रद्द तो सब रद्द। तो एक बात तो समझ में आ गई ना, सब जानते हैं कि नमाज कबूल तो बोलिए सब कबूल। सवाल, नमाज कब कबूल होती है, क्या जो खड़ा हो गया मस्जिद में उसकी नमाज कबूल है? सलावत बर्मा, सुनिए मैं आपको जहां लाना चाह रहा हूं ना, देखिए बड़ी मुश्किल ये है, जब तक आप दीन का मुतालिया मजमूई तौर पर नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। मसलन हमने सिर्फ ये हदीस पढ़ ली, नमाज दीन का सुतून है, नमाज कबूल तो सब कबूल, हमारे दिमाग में क्या आया, नमाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, न घर वालों से मतलब है, न खानदान वालों से मतलब है, न रिश्तेदारों से मतलब है, बस नमाज पढ़े जा रहे हैं।
बहुत बेशक, लेकिन चूंकि हमने बकिया चीजें नहीं पढ़ी हैं तो हम समझते हैं नमाज ही सब कुछ है। या कहीं हमने हदीस पढ़ ली, ए मन बका अलल हुसैन अबका व तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पर रोए रुलाए रोने वाले की शक्ल बनाए। खुद इमाम का फिक्र मामूली चीज नहीं है। वजबत लहुल जन्ना, जो शकीरदार, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, जो हुसैन पर रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए, वजबत लहुल जन्ना, क्या मतलब है? जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। वसी हसन साहब ने जो है पढ़ ली है हदीस, अब ये तो मस्त हो गए साहब, एक आध लाख लोगों को तो अब तक रुला चुके होंगे, हमको जो है वो कौन जन्नत से रोक सकता है? अब जो चाहे, क्या ये गिरिया ग्रीन कार्ड है हमारे लिए कि जो चाहिए कीजिए, अब नमाज ही मत पढ़िए, अब रोजा ही मत पढ़िए? वो आदमी फंस गया वो हदीस देख करके कि नमाज कबूल तो सब कबूल, वो नमाज में लग गया। वसी हसन साहब जो है वो इधर हदीस देख करके कि जो हुसैन पर रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पर वाजिब, अब इनका दबाया उनका मारा इनका घर छीन लिया, हमारी जन्नत तो पक्की है साहब, 2 लाख आदमियों को रुला चुका हूं, तो क्या जो है वो वाकई हम इस्लाम पे अमल कर रहे हैं? इसका सही जवाब यही है कि 1-2 मसले को पढ़ करके हम दीदार नहीं होंगे जब तक मजमूरी तौर पर इस्लाम की तालीम पर हमारी नजर ना हो। सलावत पर मोहम्मद, मजमूरी तौर पर दीन क्या कहता है। अब मैं आपको एक रिवायत यहां सुनाने जा रहा हूं। बात हमारी कहां से चली कि दूसरों को जन्नत से बचाना बेशक बहुत अहम थोड़े दिन बात हुई, लेकिन बाबा दूसरों को बचाने से पहले अपने को ठीक करो। अपने को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? नमाज पढ़ने हो गया काम, अस्सौम जन्नतुन मिनन्नार हदीस है, रोजा जहन्नम की सिफर है, आई हदीस नहीं है। हमने साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक रोजा कजा नहीं हुआ, बच गए जन्नत से तो जहन्नम से। जो हुसैन पर रोए, न हमसे मजलिस से मातम, न मतलब मातम से मातम, न हमको गरीबों से मतलब, हमको न रिश्तेदारों से मतलब, हम साहब रोजा रख लिया नमाज पढ़ ली। रिवायत तो कहती है कि रोजा जन्नत के जो है वो जहन्नम की सिपर है, रिवायत तो कहती है कि जो है वो 2 रकत नमाज, अरे गजब की रिवायत, 2 रकत नमाज अगर इंसान की बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए बेड़ा पार है। रिवायत मुझे खाली 2 रकत नमाज, तो क्या वो हदीसें पढ़ करके हमारे लिए बस नमाज इनफ हो गई, हमको और कुछ नहीं करना है? या वो रोजे वाली रिवायत पढ़ करके अब हमारे लिए रोजा इनफ हो गया, हमको कुछ नहीं करना है? या वो गिरिए वाली रिवायत पढ़ करके अब सिर्फ हम आजादारी करते फिरें, मामूली मामूली चीजें, कहीं भूल ना जाऊं ये हदीस पहले सुन लीजिए, सलावत पर मोहम्मद। देखिए पूरा आपको मजमुआ पढ़ना पड़ेगा, एक जबरदस्त जो है वो हदीस है शुआरा के बारे में, जबरदस्त हदीस है। हम आप पीछे रह जाएंगे इन शुआरा के मुकाबले में अगर वाकई जो शरायत है उसके साथ कहें तो। हदीस सुनी आपने शायर के सिलसिले में, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन काल फीना बैतन बनल्लाहु फिल जन्नत बैता, इमाम की हदीस है छठे इमाम की, जो हमारे सिलसिले में एक शेर कहेगा एक बैत कहेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए बोलिए एक घर बना देगा। यह हदीस सुनी थी ना, नहीं तो नहीं पढ़ी मैंने। इमाम ने क्या फरमाया, एक शेर हमारे लिए कहोगे जन्नत में बोलिए एक मकान बन जाएगा, तो जो चाहे एक शेर कह दे जन्नत ले ले। मैं भी जो चाहे कह दे। और सुनाऊं कैसे कैसे लोगों ने मौला के बारे में शेर कहा है, बोलिए जन्नत में जाएंगे। सलावत पढ़िए, सुनाता हूं शेर में, बड़े बड़े शायर नहीं कह पाएंगे, मिल जाएगी जन्नत उसको। बैठे थे, सुनिए इसको आप, बहुत मजेदार, पता नहीं कहां से आ गया दिमाग। बैठे थे यजीद, बैठा था, बैठे थे यूं निकल गया कि 3 लोग हैं इसलिए वो जमा के तौर पर था, अब यजीद निकला तो ठीक करना पड़ेगा ना। बैठा था यजीद, उसका बाप, और बाप का
वजीर मुशाविर जिसको कह लीजिए, क्या नाम है उसका वजीर मुशाविर का? अमरे आस, अमर इब्नेल आस, बड़ा चालाक आदमी अपने जमाने। एक शख्स ने किताब लिखी है नवाबिक हर आसर, जब वो आता है उस जमाने में तो लिखता है वो आदमी कि अपने जमाने का सबसे चालाक आदमी अमरे आस। बात निकल आई मौला सलामुल्लाह अलैहि की, बोलिए शेर सुनाता हूं मैं। तो ये सब शायर तो थे, यजीद क्या कम शायरी करता था, तो शायर तो थे। बात निकल आई तो भाई कुछ अली के बारे में कहा जाए आज। अमरे आज ने कहा पहले तुम शुरू करो, अमरे आज ने कहा पहले। अच्छा आदमी जिस टाइप का होता है ना उसी तरह का शेर भी कहता है, अभी सुना रहा हूं आपको। तो अमरे आज ने कहा पहले तुम शुरू करो। अब अमीर शाम का शेर सुनिए मौला के बारे में, और बताइए हदीस इस पर तर्जुमा करके जन्नत हुई कि नहीं उसकी पक्की, घर जन्नत में बना के नहीं। मुआविया इब्ने अबी सुफियान यजीद का बाप है ना, अमीर शाम, हमरे आसने का पहले तुम कहो। अब उसका शेर है सुनिए, कहता है कि खैरुल बरियते, ये हाकिम शाम का शेर सुना रहा हूं आपको। खैरुल बरियते बाद अहमद हैदरू, कायनात में पूरी दुनिया में अहमद के बाद सबसे बढ़िया आदमी हैदर है। शेर है उसका मिसरा पहला, खैरुल बरिया, और सुनिए तो इतना आसान है कि इसको अगर मैं रुक रुक के कहूं ना लड़के समझ जाएंगे। खैर माने बढ़िया बेहतरीन, बरिया ये कायनात, खैरुल बरिया दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी, बाद अहमद ये उर्दू में बोला जाता है, कौन है अहमद के बाद? हैदरू मौला कायनात। ये पहला मिसरा, दूसरा सुनिए, फन्नास अर्दुन, क्या जबरदस्त शेर है। فالناس ارض والوصي سماء, دنیا علی کے مقابلے میں زمین ہے علی آسمان ہے۔ یہ شعر ہو گیا۔ اب اس شعر کے بعد امام کی حدیث رکھ دیجئے، جو ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا بولیے جنت میں اس کے لیے ایک گھر ہے، بن گیا گھر۔ آپ کون ہے برا کہنے والے جب آپ کا امام کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اکیلے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اچھا جو 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 جس ٹائپ کا ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا شعر کہتا ہے۔ اب اس پر حاکم شام کے شعر پر دونوں نے تبصرہ کیا، تو دشمنی تو پتا ہے نا کہ حاکم شام کو امیر المومنین سے کیسی تھی، پوری جنگ صفین ہو گئی، اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ اب یزید نے اپنے باپ کے شعر کے اوپر تبصرہ کیا، اب اس کا تبصرہ سنیے۔ کہتا لملیحتن شہدت بہا ذراؤ، لملیحتن شہدت بہا ذراؤہا والحسن ما شہدت بہی ذراؤ۔ ذرا کہتے ہیں، اگر آپ کیا کیا بولتے ہیں، اگر ایک آدمی دو شادی کر لے تو دونوں عورتیں آپس میں کیا کہلاتی ہیں آپ کے یہاں؟ سوکن، سوتن، سوکن، جو بھی ہے۔ یہ سوکن چاہے جتنی خوبصورت ہو اس کی سوکن اس کے حسن کی تعریف کر سکتی ہے؟ یزید دیکھیے یہی کہہ رہا ہے، یہ اپنے باپ کے شعر پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے لملیحتن شہدت بہا ذراؤہا والحسن ما شہدت بہی ذراؤ، حسن تو وہی ہے جس کی گواہی سوتن دے دے، ہے نا؟ یہ یزید کا تبصرہ اپنے باپ کے شعر کے اوپر۔ اب صاحب امرے آس نے کہا، اس کا پہلا مصرع بھول گیا ہوں۔ کہتا والفضل ما شہدت بہی آداؤ، امرے آس کہتا یار فضیلت تو ایکچوئل میں وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے دے۔ بولیے کیا ہم ان اشعار پر وہ حدیث لگا سکتے ہیں کہ جس نے ہمارے بارے میں ایک شعر کہا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم پورا سسٹم نہیں پڑھ لیں گے ایک حدیث سے ہم اپنا مذہب نہیں طے کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد، سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک روایت سے ہم اپنا دین نہیں طے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو جانا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے شعراء کے بارے میں۔ یہ حدیث تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ واقعی ہر شاعر قابل تعریف ہے۔ امام نے تو کہہ دیا ہمارے بارے میں شعر کہو گے جنت ہے، گھر آئے،
कुरान से पूछिए, कुरान क्या कहता है? हर शायर काबिल तारीफ है। कुरान ने ऐसी मजम्मत की है शायरों की ना, और जो शर्त लगाई फिर देखिए हम लोग कितने उसमें आते हैं, कितने निकल लेते हैं। अब कुरान में इरशाद होता है अशारा यत्तबिउहुमुल गावून, शायर इनकी पैरवी गुमराह करते हैं लोग। कुरान की आयत हदीस नहीं है। अशुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा इनकी पैरवी गुमराह करते हैं। अलम तरौ अन्नहुम फी कुल वादिन यहीमून, क्या नहीं देखते हो इन शायरों को जो मुंह में आता रखते हैं। व अन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून, और क्या नहीं देखते हो इन शायरों को ये वो कहते हैं जिस पर खुद अमल नहीं करते। बताइए, एक तरफ हदीस में शायर की इतनी बड़ी अजमत कि एक शेर कहोगे जन्नत पक्की, और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है? शुअरा की पैरवी गुमराह करते हैं, इनके जूमों में हमें आता है बकते हैं, ये वो कहते हैं जिस पर खुद अमल नहीं करते। लेकिन कुरान ने फिर पलटा, इल्लल्लज़ीना आमनू, हां सारे शुअरा नहीं है इसे, वो शायर कि जो ईमान लाए, वह आमिलु सालिहात, और ईमान के साथ साथ बोलिए अमल सालिह बजा लाता हो, और मजलूम की हिमायत के लिए खड़ा हो जाता हो। तो उसका मतलब हर शायर काबिल एहतराम नहीं है। शायर कौन सा काबिल एहतराम है? नंबर एक, जो मोमिन हो। ईमान काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी हो। अमल सालेह भी काफी नहीं है, घर में बैठे शायर हो तो मजलूम की हिमायत में खड़े हो। अब अगर ये तीन शर्तों के साथ आदमी कहता है एक शेर अहले बैत के लिए, एक घर जन्नत में तैयार है। सलावत दर मोहम्मद व आले मोहम्मद, यहां तक हो गए ना। अब आइए, हम लोग नौहा पढ़ते हैं, नौहा पढ़ने वालों का मर्तबा कम थोड़ी है। ये जो अंजुमनों में जाते हैं नौहे पढ़ते हैं, आप यकीन कीजिए हम जैसे लोग फंस जाएंगे। 50 किस्म का सवाल हमसे होगा, ये कहां से पढ़ा, ये कहां से पढ़ा, इस पर तुमने अमल किया कि ना, 50 किस्म का सवाल होगा। और अगर नौहा पढ़ने वाला वाकई मुखलिस है और दिल लगा के खुलूस से पढ़ दिया, उसका काम हो जाएगा, लेकिन उसको भी सोचना पड़ेगा। कुरान की कितनी किस्में हैं मुन्ना साहब? बोलिए, दो। कुरान की दो किस्में मशहूर है, कौन कौन सी? जोर से बोलो यार, माशाल्लाह। कुरान नातिक और कुरान सामित। फाजिल किसका ज्यादा है, सामित का कि नातिक का? सिफीन में पता चल जाएगा, जो दफ्तियों में लगाया गया लोग बिगड़े साहब, हमने मौला ने कहा यार मैं कुरान मौजूद हूं, कहां भागे जा रहे हो तुम दफ्तियों के चक्कर में, है ना। कुरान के लिए हम लोग कहते हैं ना फातिहा पढ़ते हैं आप, क्या ये हमारा फातिहा पढ़ना सही है? उन लोगों के लिए जो गुटखा खाते हैं, जो पान खाते हैं, जिनके मुंह में जो है वो और कोई तंबाकू है, साफ रिवायत मौजूद है, नब्दफो तुरुकल कुरान, कुरान के रास्तों को साफ रखो। हदीस है, قيل يا رسول الله وما طرق القرآن, या रसूल अल्लाह कुरान का रास्ता क्या है? फरमाया अफवाहुकुम, तुम्हारा दहन तुम्हारा मुंह, जिस मुंह से कुरान पढ़ रहे उसको साफ होना चाहिए, उसको पाक होना चाहिए। ये नहीं कि साहब जो है वो इतना सारा जो है वो गुटका दबा के आ गए, मौलाना ने कहा फातिहा बिस्मिल्लाह, कुरान की तौहीन है, कुरान की हालत है। वसी हसन साहब आप मजलिस में आ रहे हैं सिगरेट पी करके, मुंह में जैसे सिगरेट की महक आ रही है, कुल्ली करके तब आओ फातिहा पढ़ने के लिए मजलिस में आ रहे, पता नहीं। तो ये तो हो गया हाल कुरान, बोलिए सामित का, गंदे मुंह कुरान मत पढ़ो। मुस्तफा क्या है? मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद क्या है? क्या इस लफ्ज मोहम्मद का मर्तबा कुरानी आयात से कम है? अली हसन हुसैन, और अब मौलाना ने कहा सलावत, اللهم صل على محمد وعلى محمد, ये दुरुस्त है, एक तो ये गलत। फिर अब मजलिस के बाद मातम शुरू हुआ, एक साइड किया हमने गुटका, या सेड
से शुरू हो गए। बाबा दीन कहता है पाक करके आओ, ये सारी चीजों पर हमको तवज्जो करनी पड़ेगी, एक शेर की बुनियाद पर नहीं होगा। बात हमारी कहां से चली, यहां आ गई। तो दीन ये कहता है नमाज कबूल सब कबूल, नमाज रद्द। बोलिए क्या, जो मस्जिद में यहां से बिला वजह के इधर उधर चले गए, पता नहीं किसको बुरा लगा भला लगा, आई एम वेरी सॉरी, बहरहाल अब निकल गया तो निकल गया, उसको वापस तो ले नहीं सकता हूं मैं। लेकिन अगर एक लड़का भी अमल कर लेना कि अब मजलिस में हमको जो है मुंह पाक करके जाना इसलिए कि सलावत पढ़ना है, तो मजलिस कामयाब है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये लोग अब हकीकत यह है कि मैं देख रहा हूं लग नहीं रहा है जगह है, लेकिन अब भाई अमीर है तो अमीर की बात तो नौकर नहीं ठुकरा सकते ना, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए हिल जाइए। तो मस्जिद में आ गया, उसने नमाज पढ़ ली, उसकी नमाज कबूल है? तो क्या नमाज के लिए भी, मैंने कहा जैसे हर चीज के लिए शर्त है वैसे ही नमाज के लिए भी शर्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक हदीस सुनाता हूं मजलिस तमाम आपके, पैगंबर ने फरमाया इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस पर खुश ना हो जाइए कि हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, इस पर खुश मत हो जाए नमाज के शराइत क्या है, उसमें से एक ही हदीस सुना रहा हूं और बस। इन्नल्लाहा, यह हदीस बहुत तवज्जो से सुनिए, किताब लेके वो नहीं आया हूं, कहिएगा वहां से स्कैन करके भेजूंगा वो पेज, बहुत जबरदस्त हदीस है। इन्नल्लाहा अमरा बिसलासतिन मकरूनुन बिहा सलासतुन उखरा, अल्लाह ने तीन चीजों का हुक्म दिया है तीन चीजों के साथ जोड़ के, इस तरह से कि अगर पहली चीज रिजेक्ट दूसरी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे दुनिया में है सूरज और दिन जुड़े हुए हैं कि नहीं सर, अगर सूरज डूब जाए तो आप चाहे कितनी लाइटिंग कर लीजिए दिन वापस ला सकते हैं आप, सूरज गया दिन गया। वैसे ही अहकाम में है, पैगंबर ने फरमाया खुदा ने तीन चीजों को तीन चीजों से जोड़ के रखा है, पहली गड़बड़ दूसरी खुद ब खुद गड़बड़ हो जाएगी। नंबर एक अमरा बिस्सलाते वज़्ज़कात, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है जकात के साथ। पढ़िए मुन्ना भाई कोई आयत याद हो आपको तो, अकीमुस्सलात वाह, हाँ कई लोगों ने पढ़ दिया, आप कुरान में ढूंढिए आपको जहां इस तरह की आयत मिलेगी अकेली नहीं है, जकात लगी हुई है, अकीम सलात व आतु जकात, नमाज पढ़ो बोलिए जकात दो। पैगंबर ने फरमाया अमरा बिस्सलाते व जकात, अल्लाह ने नमाज और जकात का हुक्म एक साथ दिया है। फमन सल्ला, अब देखिए सारे आमाल कबूल होते हैं किसकी बेस पे सर, नमाज की। अब नमाज के लिए पैगंबर क्या फरमाते हैं, फमन सल्ला वलम युज़क्के लम तुक़बल सलातो, अब अगर कोई नमाज पढ़े ज़कात न दे अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। कुछ समझ में आया, यानी सारे आमाल की कबूलियत काहे पर, नमाज पर। नमाज कबूल होगी कब, जकात पर। बता सकते हैं आप व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन जकात एंड खुम्स, बता सकते हैं? खुम्स के दो हिस्से होंगे, एक जो है वो औलाद फातिमा का हक है सलामुल्लाह अलैहा, और एक इमाम का हक है।
उसकी अपनी जगह मौजूद है, हम अपने पास से खर्च नहीं कर सकते, हम जहां चाहें सहमे सादात को उन्हीं को देना पड़ेगा, लाख हमारे घर में कोई मजबूर और जरूरतमंद हो, और सहमे इमाम बगैर मर्जा की इजाजत के हम खर्च नहीं कर सकते। यह है सहमे इमाम की बात, खम्स की बात। लेकिन जकात कहां खर्च होगी? सलावात बर मोहम्मद वाह बोलिए। जकात कहां खर्च होगी? जकात का मसला है लिखा हुआ तौजुल मसाइल वगैरह में। जकात का सिर्फ और सिर्फ जो है वो मसरफ क्या है? पुअर पर, गरीबों पर, और उसकी चीजें लिखी हुई हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखिए अहकाम इलाही के फलसफे क्या है। जकात कहां खर्च होगी? गरीबों पर। पैगंबर ने क्या फरमाया? अगर कोई शख्स नमाज पढ़े जकात न दे, अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। जकात कहां जाएगी? यानी गुरबा पे खर्च होगी, यही ना। गोया अल्लाह अकीमुस्सलात के साथ आतुस ज़कात कह के ये समझाना चाहता है कि लाख हमारी नमाज पढ़ो, जब तक हमारे गरीब बंदों पर तवज्जो नहीं करोगे हम अपनी नमाज भी कबूल नहीं करेंगे। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुश्किल यह है कि हम 10 मिनट लगा देते हैं टहलाने में कि पब्लिक आ जाए बिला वजह बात जाया ना हो, और जब तक पब्लिक पर आती आती है तब तक 9 बज जाता है, 15 मिनट और बचा है। एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आया था ना, एक दिन अगर लेट भी हो जाएगा तो क्या कर लेगी पब्लिक? अगले साल नहीं बुलाएगी और क्या होगा? सलावात पर मोहम्मद वाले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूं। तो गोया थी बकिया दो का टाइम नहीं, दो को नहीं पढ़ूंगा मैं, सिर्फ तर्जुमा करके चला जाता हूं। चलिए सुन लीजिए। तो नंबर एक क्या है? हमारा बेसलाते वाज जकात, अल्लाह ने नमाज का और जकात का हुक्म एक साथ दिया। फमन सल्ला वलम युज़क्के वाले देख कुरान में, मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे साथ साथ अपने माँ बाप का शुक्रिया करो, अदा करो। पैगंबर कहते हैं हमारा बेशुक्र लहू वलिल वालिदैन। अल्लाह ने कुरान में दो हुक्म एक साथ दिया है, अपने शुक्रिया के साथ साथ बोलिए माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। बस अगर कोई अल्लाह का शुक्रगुजार हो और माँ बाप का बोलिए शुक्रगुजार ना हो, अल्लाह अपना भी शुक्रिया कबूल नहीं करेगा। रुक करके एक बात कह दूं, अब अगर अल्लाह अपना शुक्रिया कबूल ना करे किसी से, हजरत अली अपना शुक्रिया कबूल कर लेंगे? बोलिए, अगर अल्लाह हमसे शुक्रिया कबूल ना करे तो इमाम हसन हमारा शुक्रिया कबूल कर लेंगे? अगर खुदा हमारे शुक्रिया को कबूल ना करे, इमाम हुसैन हमारे शुक्रिया को कबूल कर लेंगे? खुदा कब कबूल नहीं करेगा? जब तक बाप माँ को नहीं समझोगे। अब आ गए साहब, क्या है भाई? फला जगह इमाम बाड़ा बन रहा है, कुछ आप उसमें कीजिए, उनका लिख लो 1,00,000 रुपए। अल्लाह ने नवाजा दे दिया। वहां साहब आए, क्या साहब? तो वो फला जगह शब्बेदारी है, बंबई में बहुत होती है ना इस तरह, फला जगह शब्बेदारी है और उसमें ये शायर है वो शायर है, खर्चा का 50,000 रुपए ले लो। आप 2 महीने में जाके उनका हिसाब कीजिए ना, 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए इमाम हुसैन के नाम पर। सवाल इस बात का, इमाम हुसैन के लिए जो खर्च कर रहे हैं आप, इमाम हुसैन कबूल करेंगे इसको? जो खर्च कर दे बोलिए, क्यों नहीं कबूल करेंगे? हमने कहा अगर अल्लाह कबूल कर, तक माँ बाप को नहीं समझोगे हम भी नहीं कबूल करेंगे। अब अगर कोई आदमी ऐसा है कि साल भर से गुजर गया है, पता नहीं उसको कि मेरे बाबा की जो है वो शर्ट सही से है कि नहीं है, शेरवानी फट गई है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर के यहां से दवा आनी चाहिए, साल भर से बाप माँ की खबर नहीं ली है और मजलिस हुसैन में 10 लाख खर्च कर दिया, खुदा कहता जब माँ बाप को नहीं समझोगे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। हुसैन कहेंगे हमें जब खुदा नहीं कबूल करेगा तो मैं कैसे कबूल कर लूं? अब समझ में आया? खुश मत हो जाइए वसी हसन साहब के बड़े मजलिस पढ़ते सब लाखों को रुला चुके, एक बाप नाराज हो जाए सब चला जाएगा। सलावात पर, ये बारीकियां हैं दीन की। यू नो सर, दीन وامر باتقاء الله وصله الرحم। अल्लाह ने हुक्म
11 को इसको पूरा करता हूं इंशाल्लाह। कल तो नहीं हो सकता, परसों शबे आशूरा 11 को इसको अच्छा याद आया। सलावात यहां कभी खत्म करता हूं, सलावात पर मोहम्मद वाह। وامر باتقاء الله وصله الرحم, अल्लाह ने हुक्म दिया है तकवे का और सिले रहम का। अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार करे और सिले रहम ना हो, अल्लाह अपना तकवा भी कबूल नहीं करेगा। ये दोनों छोड़ दीजिए इंशाल्लाह 11 को। पहले पर वापस आइए, क्या फरमाया पैगंबर ने? अगर कोई शख्स नमाज पढ़े, जकात अदा न करे, अल्लाह अपनी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। हो गई बात? जकात कितनी चीजों पर वाजिब है? बात यहां फंस जाएगी आकर। जकात कितनी चीजों पर वाजिब है? मेरे ख्याल में पता नहीं भाई, मैं कह तो नहीं सकता हूं, हो सकता है अल्लाह करे, लेकिन 90% इस मजमे में वो लोग हैं जो जिन पर जकात वाजिब नहीं है। फितरा छोड़ करके तो जकात, फितरा तो सब पर है, वो भी जकात ही है, लेकिन बकिया जकात काहे पर वाजिब है? गेहूं मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब है, मैं आता हूं, लेकिन और पब्लिक? इसलिए कि गेहूं के लिए शर्त है कि 847 किलो 8.5 क्विंटल पैदावार होनी चाहिए कम से कम, तब आप उसके अंदर आएंगे। जाओ चना, ये जिन चीजों पर जकात वाजिब है, किशमिश, भेड़, गाय बैल है किसी के पास, सोना, उसके सबके मसारिफ मौजूद है, किसी के पास नहीं है। हो सकता है किसी के पास सोना होना इतना हो, उसको अपना रिसाले में देख ले कितने ऊपर होता है, वो हम मसला बयान करने पयाम साहब उनसे पूछ लेगा कैसे कैसे क्या सोने के ऊपर जकात कैसे निकलेगी, चांदी में जकात कैसे निकलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में है इसमें कोई जिसके पास 8.5 क्विंटल गेहूं पैदा होता हो साल में, जमीन ही नहीं है, खेती ही नहीं करता आदमी, तो कहां से होगा? तो साहब आपने तो हमारे ऊपर जकात वाजिब की नहीं है, है? आपने हमारे ऊपर जकात, जो वाजिब है वो है नहीं। इत्तेफाक, ना हमारी जौ की आमदनी है, ना किशमिश की आमदनी है, ना चने की आमदनी है, ना गेहूं की आमदनी है, ना हम जानवर पालते हैं, ना हम भेड़ बकरी पालते हैं, ना हमारी सोने चांदी की दुकान है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। कैसा जकात वाजिब रखा? ये नौ चीजें हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, मत निकालो, ना निकाले का नहीं। हमने कहा तो आपका नबी कह रहा है कि कोई नमाज पढ़े जकात न दे, उसकी नमाज कबूल नहीं। आप कहते हैं वाजिब भी नहीं है, हदीस कहती है नमाज एक्सेप्ट नहीं है अगर नहीं निकालोगे। इसका जवाब बुजुर्गों ने दिया, जकात की है दो किस्में, एक है जकात वाजिब और एक है जकात मुस्तहब। जकात वाजिब वो नौ चीजें हैं, निसाब में आ जाइएगा, आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। लेकिन ये जो सदका देते हैं आप, ये 10 रुपए खैरात जो करते हैं आप, ये भी मुस्तहबी जकात में आएगी। ये मतलब खुलासा कलाम कि भाई वाजिब नहीं है, मना तो नहीं किया गया है ना कि आप किसी गरीब की मदद मत कीजिए 50 रुपए से, वही कर दो, मुस्तहबी जकात तुम्हारी मान ली जाएगी। अगर नमाज कबूल करवाना है और दुनिया बनानी है, दोनों चीजें हैं, तो पुअर्स पर तवज्जो करो, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। सलावात दर मोहम्मद, समझ में आ गया ना दीन क्या सिखा रहा है? लेकिन फिर वही चलिए साहब, वसी हसन साहब एक ऐसे आदमी है कि जो नमाज भी पढ़ते हैं और वाजिब जकात भी देते हैं, मुस्तहब जकात भी देते हैं, फितरे वाली सफर वाजिब है ना, वो भी देते हैं, मुस्तहब भी देते हैं, तो वसी साहब की नमाज कबूल हो गई। कबरिया खाली जकात देना हुनर थोड़ी है, पहले ये तो तय हो कि जकात कबूल हो गई तब नमाज कबूल होगी ना, जकात देने थोड़ी नमाज कबूल हो गई। जकात कबूल हो, जकात कैसे कबूल होगी साहब? मैंने 2000 रुपए दे दिया किसी गरीब को, मालूम है बेचारा आया था, बेचारा बहुत परेशान था, हमने कहा भाई जो इधर उधर दुनिया का खर्च होता है, मैं 2000 की सिगरेट पी जाते हैं, लो 10 जगह बयान किया, अच्छा खासा इज्जतदार आदमी, 50 जगह बयान करके उसकी आबरू तो ले गए हम। दीन कहता भैया मदद न की होती बेइज्जत तो न करते उसको, तो मसला जकात देना भी हुनर नहीं है, जब तक के वो जकात मदद हमारे और खुदा के बीच ना हो बस। सलावात दर मोहम्मद वाह। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, और अगर तुम्हारे और खुदा के बीच है तो इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्र
من ذكر او انثى. خدا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. مجھ کو یہ اجازت ہے کہ جے بجے بیٹھا ہوں اس حساب سے اتروں یا 9:10 پہ اترنا واجب ہے میرے اوپر؟ میں نہیں بچوں گا, خود بچوں چلے گا نا. صلوات بر محمد وآل محمد. مگر نہیں جانے دیجئے, اس کو اتنا نوٹ کر لیجئے, آگے بھی 2 بجے تک لڑکوں کو جگنا ہے تو بہت ہم وقت نہ لیں, تھوڑا مسائل 5-7 منٹ پڑھ کے ختم کرتے ہیں. لیکن اس کو جب میں پرسوں بیٹھوں نا 11 کو, اس کو یاد دلا دیجئے کہ بھائی وہ قصہ تم جو ہے 7 محرم کو چھوڑ کے اترے تھے وہاں سے اسٹارٹ کرو, انشاءاللہ وہ ہوگا. صلوات بس صلوات پر محمد وآل. لیکن یہ چیز ہم کو نوٹ کر لینا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ میرے بھائی ایک حدیث پر طے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پورے مجموعے کا مطالعہ نہ کریں. نماز قبول, سب قبول, تو یہ بھی تو پوچھو نماز کب قبول ہوگی, کل زکات کب قبول ہوگی, یہ بھی تو پوچھو زکات کب قبول ہوگی. اگر ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب, تو آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ کیا مولانا صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے بھائی کا مکان آپ نے غصب کر لیا ہے تو آپ کی یہ مجلس آپ کو فائدہ پہنچائے گی؟ ہم کو اس پر توجہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو یہ جو روایات ہیں نا, روزہ رکھ لیا جنت کے لیے سپر ہے, جہنم کے لیے سپر ہے, نماز سارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے, ذکر حسین انسان کو بہشت تک پہنچاتا ہے, یہ ہمارے لیے گناہ کا گرین کارڈ نہیں ہے. ان روایات میں شک نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہم کو چھوٹ دے رہے ہیں, بقیہ لوگ تو جو ہے وہ دیندار بنے, تم جو ہے وہ بس روزہ رکھ لیا اب تو جنت کس پر ہو گئی, ان کا گھر مار لو, ان کا پیسہ دبا لو, ان کا کھیت دبا لو. انشاءاللہ پرسوں من جملہ اس کے ایک چیز, حالانکہ میں پہلے بھی جا رہا تھا واپس چلیے تیسرے پر, تو کتنی چیزیں رسول اللہ نے بتائی تھی, نماز پڑھے زکات نہ دے اس کی نماز قبول بولیے نہیں ہوگی, دوسرا کیا تھا, میرا شکریہ ادا کرے اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے اس کا بھی شکریہ اللہ قبول, تیسرے اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا ایک ساتھ, اگر کوئی تقوی اختیار کرے بولیے صلہ رحم نہ کرے تو اللہ اس کا تقوی بھی قبول. ایک لائن میں بتا دوں, اگر کوئی شخص اللہ نے تقوی اور صلہ رحم کا حکم ایک ساتھ دیا, اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحم نہ کرے اللہ تقوی بھی قبول نہیں کرے گا, اور اگر تقوی ریجیکٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے, تو اگر تقوی ریجیکٹ ہو گیا سارے اعمال ریجیکٹ ہو جائیں گے. آپ توجہ فرما رہے ہیں, اور یہ تقوی کب ریجیکٹ ہوگا؟ مولانا تو بہت زبردست ہیں صاحب, مجلس تو خوب پڑھتے ہیں مگر سگے بھائی سے بول چال نہیں ہے. صلہ رحم نہیں ہوا نا, اگر صلہ رحم نہیں ہو تقوی گیا کہ نہیں گیا, اور جب تقوی گیا تو قرآن کی آیت کیا ہے بولیے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. وسیع حسن صاحب نہ ان سے اپنی خالہ کے یہاں سے آنا جانا ہے, نہ ماموں سے بول چال ہے, نہ بھائی سے کوئی رابطہ رہ گیا ہے, مجلسیں بہت زبردست پڑھتے ہیں. تقویٰ ہے نہیں ہے نا, تو سب گیا کہ نہیں گیا؟ یہ کہاں سے آپ کے پاس گارنٹی آئی جو مجلس آپ نے پڑھی وہ بچی ہے سب چلا گیا؟ جب سب جائے گا تو یہ بھی جائے گا نا. صلوات بر محمد وعالم, یہ ذہن میں رہنا ضروری. اور اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھلایا, صلہ رحم یہ ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کربلا کے لیے سب تیاری کر رہے تھے, اپنا اپنا نمائندہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تک اپنی نمائندگی چاہ رہے تھے اور اللہ سے دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایک بیٹا دے دے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا تو صلہ رحم کا بھی درس ہے. اس دن میرا مولا روزے سے تھا, جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی ہے,
आदमी ये सब जितने शादीशुदा लोग हैं इस बात को समझेंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत क्या है। आदमी जो अपने दिल की बात अपने भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, औलाद से नहीं कह पाता, वो अपने दिल की बात किससे कहता है? अपनी बीवी से, है ना, अपनी जौजा से। इमाम इतना मजलूम है कि उसी जौजा ने, मलऊना ने इमाम हसन को जहर दिया। इससे ज्यादा मजलूमियत और हो सकती है? जहर ने असर शुरू किया। पहला जुमला जो उलमा हमारे कहते हैं, हजरत ने फरमाया कि कोई मेरी जैनब को बुला दे। जनाब जैनब आई, कभी अब्बास के पास जाती हैं, देखो मेरे भाई का क्या हाल है, कभी हुसैन के पास जाती हैं, देखो मेरे भाई का क्या हाल। तय होना शुरू हुई, जैनब ने लाके तश्त रख दिया, लगन रख दी। यहां तक तारीखें कहती हैं कि जब हजरत को इस्तफराग होता था ना, तय होती थी, तो जिगर के टुकड़े निकल रहे थे। आप देखिए, बुखार बीमार जो पड़े हैं जिनको, तो उनको देखिए, बुखार बुखार में आदमी पड़ा है, स्वस्थ है अपनी जगह, लेकिन जितनी अजियत तय में होती है मरीज को, शायद किसी और चीज में उतनी अजियत होती हो, और वह भी जिगर के टुकड़े निकल रहे हों। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह बैठे हैं, हाँ, रोना शुरू किया। भाई को इस हाल में देख के नहीं आंसू आएगा, रोना शुरू किया, अपना गम भूल गए। कितनी तकलीफ इमाम हसन को रही होगी, अपना दर्द मेरे भाइयों भूल गए। आए भैया हुसैन, रो क्यों रहे हो? फरमाया, आपको इस हाल में देख करके आंसू नहीं आएगा, अपना दर्द भूल के। जानते हैं इमाम हसन ने उस वक्त क्या कहा शहादत से पहले? फरमाते हैं, ला यौम कयौम कया अबा अब्दुल्लाह, मगर ए हुसैन तुम्हारी करबला से बचे कुछ नहीं। रो लीजिए, शहजादी को पुरसा दे दीजिए, मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाइयों। मौत उम्र देख के नहीं आती है, मौत बीमारी देख के नहीं आती है। कौन कब चला जाए, किसका मसायब या आखिरी मसायब हो जाए, नहीं मालूम है। कयूम कयूम कया अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन तुम्हारे दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है कि जिस हसन को अपनी बीमारी में करबला का इस तरह एहसास था, तो क्या इमाम हसन को ये ख्वाहिश नहीं होगी कि काश मेरी तरफ से कोई मेरे भाई की मदद कर देता। हाँ, जब अली अलैहिस्सलाम ने दुआ करके अब्बास को मांगा, तो क्या इमाम हसन को ख्वाहिश नहीं है? कहते हैं कि बुलाया अपने बेटे को, एक बाजू छोटे थे, ये तो जा करके 13 साल के करबला में हुए हैं ना, हाँ उस वक्त तो 3-4 साल के रहे, मुझे भी उम्र रही हो, 10 साल हो गया ना इमाम हसन की, सन 50 में शहादत हुई, करबला सन 61 में हुई है, 60 मान लीजिए मुहर्रम पहला महीना। तो बाजू पर एक तावीज बांध दिया, फरमाया बेटा, चाहे माँ को मुखातिब किया हो, बजाहिर माँ को सुनाना चाह रहे हो, बेटे के बाजू बांध करके, वरना 3-4 साल का बच्चा क्या मुतवज्जे होगा, शायद माँ को मुतवज्जे कर रहे हो। बेटा, जब दुनिया का सारा गम तुम्हारे सीने पर इकट्ठा हो जाए, तब इस तावीज को खोल लेना। इमाम हसन शहीद हो गए। करबला में आ गया काफिला, आशूर का दिन आ गया, एक एक करके लोग जाते रहे, बार बार हजरत कासिम आते हैं, चचा मैदान में जाने की इजाजत दे दो। नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुमको इजाजत कैसे दे दूं। जब कई बार हुआ ना, तो तारीख कहती है कि आके अपना जो मखसूस खैमा था, उसमें बैठ के ये सर जो है जानवों के बीच डाल के हजरत कासिम ने रोना शुरू किया। माँ से थोड़ी बर्दाश्त होगा बेटा इस तरह रोए। माँ आ गई, क्या बात है मेरे लाल, काम मां
लगता है मेरा खून इस लायक नहीं है कि शहदा के खून में शामिल हो। क्यों कह चचा इजाजत नहीं देते, बार बार जाता हूं। माँ को याद है, ये तो बच्चे थे ना, मगर माँ को तो याद है ना। कहा बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाजू में तावीज बांधा था, अब वक्त इससे बड़ा मुसीबत का वक्त कौन आएगा कि इमाम वक्त के नुसरत की इजाजत न मिले। देखो क्या लिखा है, अब जो तावीज खोला गया सिले रहम इसको कहते हैं। लिखा ना बेटा कासिम अफ़े आशूरा, मेरे भैया की मदद करना। खुश हो गए जैसे परवाना मिल गया जन्नत का। आ गए चचा। बेटा जाना चाहता हूं। नहीं मेरे लाल, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम। चचा बाबा कहते हैं जाओ। कहां? वो दिखला दी दस्तखत, ये मेरे बाबा का खत है, तहरीर है। एक मुद्दत के बाद भाई ने भाई की तहरीर देखी। रिवायत में है भतीजे को कासिम को कलेजे से लगा के इतना रोए हैं, इतना रोए। खुदा तुझे हुसैन और कासिम का वास्ता है, हमारे घरों में भी वही मोहब्बत चचा भतीजे के दरमियान डाल दे या अल्लाह। बस तो यहां तक कहते हैं कि इमाम हुसैन जो चंद जगह है ना उसमें किए कि बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जो होश आया अपने हाथ से अपने हाथ से कासिम को घोड़े पर बिठलाया। कहते हैं जो लजाम थी वो रकाब थी, कासिम का पैर नहीं पहुंच रहा था। कुल 13 साल की उम्र है, काट के छोटा किया गया। इमाम ने कहा जाओ मेरे लाल। कासिम मैदान में आए, अजरक शामी लानतुल्लाह अलैह, अजरक शामी 4000 सवारों के बराबर कहा जाता है। जैसे ही कासिम इब्ने हसन मैदान में आए, उमर साद ने अजरक से कहा जाओ इस बच्चे के मुकाबले में। उसको खल गया, यानी इतने कम से उसको बुरा लगा, मैं एक बच्चे के मुकाबले में, उसको बुरा लग गया, ये मुझको बच्चे के मुकाबले में भेज रहा। उमर साद ने कहा अजरक ये बच्चा नहीं है, शेर का बच्चा है। कब कुछ नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे निपट लेंगे इससे। एक बेटे को भेजा, कासिम ने वासले जहन्नम किया। दूसरा बेटा आया, कासिम ने उसको ही मारा। 4 बेटे थे इसके, 4 के 4 को कासिम ने करबला में वासले जहन्नम कर दिया। अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे पहलवान के 4-4 बच्चों को 13 साल के लड़के ने मार दिया हो, उसका गुस्सा किस शबाब पर होगा। अब उमर साद को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कहते वो सवार हो गया पूरे जलाल में, कहता जा रहा हूं, अब अगर मैंने इस लड़के का दाग इसकी माँ के सीने पे नहीं रखा तो मेरा नाम भी अजरक नहीं है। जोश में पूरे गुस्से में चला। रिवायत कहती है इमाम का चेहरा बदल गया। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया खैर तो है? कह रहे ज़ैनब अजरक आ रहा मेरे बच्चे के मुकाम। यही करबला वालों की मजबूरी है। अमीरुल मोमिनीन के फजाइल बहादुरी बयान होती है, खैबर की शुजात, खंदक की शुजात, बद्र की शुजात बयान होती है। लोग खुश होते हैं, नारे लगाते हैं, करबला वालों की बहादुरी कहां बयान हो, अब्बास की शुजात कहां बयान हो। आदमी रोए के नारा लगाए, बताइए आदमी रोए के खुश हो। ये मंजूर अजरक सामने आया पूरे गुस्से के साथ। एक मरतबा हजरत कासिम ने तलवार उठाई, एक बुजुर्ग गुजरे मरहूम काफी, मैंने इतना जो कहें वो मैंने खुद किताब में नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा जो है वो मरहूम शेख अहमद काफी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं कि कासिम ने तलवार उठाई, अब कहीं देखा होगा उन्होंने, और जो उसने जो है जनाब कासिम ने मारा है अजरक के सर के ऊपर,
तो वो कहते हैं किताबों में लिखा खीरे की तरह दो हिस्सों में कासिम ने बांट दिया उसको, जो इतने जोश में आया था 4000 सवार के बराबर। अब कोई अंदाजा कर सकता है जब 13 साल के बच्चे की शुजाअत का ये हाल है तो अब्बास की बहादुरी क्या होगी। जब 13 साल के बच्चे के इस घर के ये हाल है तो अली अकबर की शजाअत क्या होगी। लेकिन अब उसके बाद मत पढ़ो। क्यों का जानते हो क्या हुआ? अब इनकी समझ में आ गया। उमर साद ने कहा ये शेर के घर आने के हैं, एक एक करके तो इनसे नहीं जीत सकते हो। पूरी फौज ने 13 बरस के बच्चे को किए। पूरी फौज ने 13 बरस के बच्चे को घेर लिया। एक वक्त वो आया जब कासिम से घोड़े पे संभला न गया, ऐसा वार लगा घोड़े से, या अम्मा अदरकनी, चचा मेरी मदद को आओ। रिवायत कहती है मिसल बाज शिकारी के इमाम हुसैन झपटे हैं, भगदड़ मच गई फौज यजीदी में। लेकिन जिस वक्त गिरे थे घोड़े से ना, शहीद होते नहीं गिरे थे, जिंदा गिरे थे। जब घोड़ों में भगदड़ मची है, कासिम का जिस जमीन पर पड़ा है घोड़े की टापे पड़ती है। घोड़े की टापे पड़ती है, कासिम की चीख निकलती है, चचा मेरा जिस्म घोड़ों की टापों के नीचे। कहते किसी सूरत से मजमा चटा, इमाम कासिम के सराहने पहुंचे। कासिम शहीद हो चुके थे, सराहने बैठ के मरसिया पढ़ते, ए मेरे लाल कासिम, तेरे चचा के लिए कितनी सख्त मंजिल है कि तू चचा को पुकारे, चचा पहुंच न सके, और जब पहुंचे तो पहुंचने का कोई फायदा ना। فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون। خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما, جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ आज 7 मुहर्रम गुजर गए खुदा, 8, 9, 10, 3 दिन और बाकी है खुदा। या अल्लाह हमको शैतानी वसवसों से बचा ले खुदा। खुदा हम सबको खुलूस नीयत के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की तौफीक करामत फरमा। या अल्लाह हम सबको इस दुनिया में उस मजलूम करबला की कब्र की ज़ियारत और आखिरत में शफाअत मजलूम करबला इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद और सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में तअज़ील फरमा, हमें आका के ग़ुलामों में शुमार फरमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।